नमस्कार फार्म भाइयों, मैं अरुण कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन पिक फार्म मेंटेनिंग सेंटर जूंडला डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में। दोस्तों, अप्रैल 2024 के सभी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन समाप्त हो चुके हैं और हम आपके सामने सभी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन की वीडियो एक एक करके प्रस्तुत करते जा रहे हैं। आज की वीडियो में आप देख पाएंगे फार्म भाइयों ने सुबह की शुरुआत फीड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ की, इसके बाद एक लाइव क्रॉसिंग का सेशन भी फार्म भाइयों के साथ शेयर किया गया। दोस्तों, पिगलेट की टीथ कटिंग और टेल कटिंग को भी सफलतापूर्वक सभी फार्म भाइयों ने आज कंप्लीट किया। दोस्तों, इंडियन पिग फार्म मेंटेनिंग सेंटर एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको 6 दिनों की प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सेशन प्रोवाइड कराता है। इसके अंदर आपको 28 से ज़्यादा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन करने का मौका मिलता है और AI के विषय में भी प्रैक्टिकल सेशन फार्म भाइयों के साथ शेयर किया जाता है। दोस्तों, 3 या 4 दिन के ट्रेनिंग सेशन में ये सभी चीज़ें कंप्लीट तौर पर नहीं करा सकते, इसलिए आधी अधूरी जानकारी को पिग फार्मिंग करने से अच्छा है आप पूरी जानकारी के साथ पिग फार्मिंग की शुरुआत कीजिए। दोस्तों, इन 6 दिनों के अंदर स्ट्रक्चर डिजाइन से लेकर फीड फार्मुलेशन तक सभी चीज़ें हम फार्म भाई के साथ शेयर करते हैं। किस तरह से आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, कैसे ब्रीड सिलेक्शन करना है, किस तरह से सेफ क्रॉसिंग करानी है, किस तरह से प्रेग्नेंट फीमेल केयर करनी है, कौन से फूड एंड सप्लीमेंट उसमें उनको देने चाहिए, किस तरह से सेफ डिलीवरी करानी है, किस तरह से पिगलेट का केयर करनी है, उसकी टीथ कटिंग है, टेल कटिंग है, कास्टेशन है या किसी भी तरह की अन्य सर्जरी आपको करनी है, तो ये सभी सेशन प्रैक्टिकली फार्म भाइयों के साथ किए जाते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन भी जानकारी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। 5 जून से यह ट्रेनिंग सेशन शुरू होने जा रहा है जो कि 10 जून तक चलेगा। 6 दिवसीय इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान सभी तरह के थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन आपके साथ किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपके रुकने के लिए AC रूम विद अटैच वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध होगी। लड़कियों के लिए रुकने की ठहरने की अलग से सुविधाएँ उपलब्ध हैं। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं लड़कियां हमारे साथ ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनती हैं और आती रहती हैं, आपने भी बहुत सी वीडियो में देखा होगा। तो अगर कोई महिला लड़की ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनना चाहती है तो उनका स्वागत है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ साथ आपके खाने के लिए होमली फूड की सुविधा है, घर का बना हुआ शुद्ध खाना आपको दिया जाता है, फुल्ली वाईफाई जोन है, पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो जो भी फार्म भाई इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनना चाहता है मुझसे जल्दी से जल्दी संपर्क कर ले ताकि आपका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित हो सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के ट्रेनिंग सेशन में फार्म भाइयों ने क्या क्या किया, ये वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी फार्म भाई को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, सुबह की शुरुआत की फीड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। फार्म भाइयों ने सभी एनिमल्स को फीड डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रेग्नेंट फीमेल को कितना फीड डलेगा, नॉन प्रेग्नेंट को कितना डलेगा, डिलीवर्ड फीमेल को कितना डलेगा, कौन से सप्लीमेंट मिला के फीड में डालने होते हैं। आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा फार्म भाई ऐसे ही फर्श पर फीड को डाल देते हैं खाने के लिए, जो कि एनिमलों के पैरों के साथ मैश होकर वो फीड सारा ख़राब हो जाता है। 10-12% फीड कॉस्टिंग बढ़ जाती है। इसके लिए खोर को कैसे डिजाइन करें, सभी जानकारियां फार्म भाइयों के साथ शेयर की गई। फीड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रैक्टिकल सेशन बहुत ही सफल रहा। नमस्कार दोस्तों, अप्रैल का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, लाइव क्रॉसिंग अभी फिलहाल चल रही है। लार्ज व्हाइट टू लार्ज व्हाइट की फीमेल की क्रॉसिंग चल रही है। लार्ज व्हाइट का ही बोर है और लार्ज व्हाइट की ही फीमेल है। क्रॉसिंग कराते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी है, सभी फार्म भाइयों के साथ इसकी पूरी डिटेल शेयर की गई है। फीमेल का और मेल का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसके लिए जब भी आप उसकी क्रॉसिंग में डालें आपके बाड़े के अंदर साफ सफाई होनी चाहिए। ये सभी वीडियो के अंदर मैं जो भी क्रॉसिंग की वीडियो होती है सभी फार्म भाइयों को बताता हूँ। अगर आपके पास कच्ची ज़मीन की व्यवस्था है तो सबसे बढ़िया रहती है। फीमेल और मेल दोनों अपने पैरों को, अपने पंजों को अच्छी तरह से जमा पाते हैं। मेल अच्छे पुशअप लगाता है, सीमन अच्छा रिलीज करता है और अच्छी क्रॉसिंग एक फार्मर को मिलती है। फीमेल जितनी कंफर्टेबल पोजीशन में मेटिंग को लेगी, एक क्रॉसिंग को लेगी, उतनी ही बढ़िया कंसीविंग वो फीमेल लेगी। तो इस तरीके से आप एक सेफ क्रॉसिंग करा सकते हो। एक फीमेल को कंसीव करने के लिए 30-80 ml वीर्य की जरूरत होती है, सीमन की जरूरत होती है। और जो एक अडल्ट मेल है वो एक बारी में 250 ml से लेकर 400-500 ml तक भी वीर्य को निकाल सकता है। इसीलिए ये आने वाले समय में बहुत ही कामयाब रहेगी फार्मरों के लिए। एक ही समय में एक से ज़्यादा फीमेलों को AI के जरिए कंसीव कराया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद सभी फार्म भाइयों ने टीथ कटिंग और टेल कटिंग के प्रैक्टिकल सेशन को पूरा किया। पहले मैं सेफली आप टीथ कटिंग कैसे कर सकते हो इसके विषय में थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से बताया जाता है ताकि फार्म भाई कॉन्फिडेंस रहे किस तरह से इन्होंने करना है, किसी तरह की हेजिटेशन फार्म भाइयों के पास ना हो।
क्योंकि जब फार्मिंग अपनी शुरू करेंगे तो उनके मन में ये संशय ना हो कि ये करूँगा तो मैं कैसे होगा, ये नहीं करूँगा तो कैसे होगा, क्या क्या इसके बेनिफिट है, क्या क्या इसके रूल आउट है। सभी तरह की जानकारियाँ फार्म भाई के साथ शेयर की गई। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो बहुत से फार्म भाई टीथ कटिंग प्रैक्टिकली कर रहे हैं। इसके बाद सभी फार्म भाई टीथ कटिंग के सेशन को भी कंप्लीट करेंगे। दोस्तों ये सभी प्रैक्टिकल सेशन 3 या 4 दिन के ट्रेनिंग में कराने संभव नहीं है, इसलिए इंडियन पिग फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर पर जो ट्रेनिंग सेशन लगता है वो 6 दिनों का लगता है। पूरे इंडिया में सबसे कम फीस कॉस्ट पर 6 दिन की प्रैक्टिकल सेशन हम प्रोवाइड कराते हैं। इसमें आपके रुकने के लिए एसी रूम की व्यवस्था होती है, अटैच वाशरूम आपको मिलता है, लड़कियों के रुकने की सुविधाएं अलग से हैं। इसके साथ साथ होमली फूड आपको प्रोवाइड होता है बिल्कुल शुद्ध। इसके साथ साथ सभी फार्म भाइयों को वाईफाई की सुविधा निःशुल्क प्राप्त है। पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। अभी आप जो देख पा रहे हो सभी फार्म भाई टेल कटिंग कर रहे हैं। टेल कटिंग के कई प्रोसेस होते हैं, कौन सा सेफ रहता है, किस तरीके से आप इजीली टेल कटिंग कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन उसके ऊपर अप्लाई करनी है, पिगलेट की कितने दिन में टेल कटिंग कर देनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, पूंछ को दागना आवश्यक होता है, सभी तरह की प्रैक्टिकल सेशन के दौरान फार्म भाई को प्रैक्टिस कराई जाती है। अपनी फार्मिंग को करते हुए उनको एक कॉन्फिडेंस रहे, एक आत्मविश्वास रहे कि मैं फार्मिंग को कामयाब कर सकता हूँ।